साहिबा के हाथ लगा सीरत का झुमका। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरियल तेरी मेरी डोरी के आज के एपिसोड के बारे में, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि साहिबा जब अंगद के कपड़े रख रही होती है तो उसकी जेब में से निकलता है सीरत का झुमका, जिसको देखकर साहिबा एकदम घबरा जाती है और वो झुमका लेके डायरेक्ट वो जाती है सीरत के पास। और सीरत के पास जाने के बाद सीरत साहिबा से कहती है कि तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, तुझे मैंने बोला था ना कि हम सब रुकेंगे और सिमरन की तबीयत भी ठीक है तो तू वापस घर चली जा, मैं हूँ यहाँ पर। तो इतने में साहिबा बोलती है अगर मैं यहाँ वापस नहीं आती तो मुझे ये कहाँ से मिलता, जिसमें कि उसके हाथ में था सीरत का झुमका। और सीरत अपने झुमके को देखकर घबरा गई और वो साहिबा से कहती है कि ये झुमका तुझे कहाँ से मिला। तो साहिबा बोलती है तू ही बता ये मुझे कहाँ से मिलेगा, आखिर तूने क्या किया इस झुमके के साथ। तो वहीं सीरत बताती है साहिबा को उस दिन पार्टी में मैंने अंगद को पिक करने के लिए बुलाया था। तो साहिबा कहती है तू मुझे तो बुला सकती थी, क्या जरूरत थी अंगद को बुलाने की, जब तो बुला सकती थी ना। नहीं पर तू मुझे क्यों बुलाएगी, तू तो अंगद को बुलाएगी, तू ये बात ध्यान रखना कि अंगद मेरा पति है। तो इस पर सीरत कहती है कि मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा रिश्ता ज्यादा दिन तक चलेगा, तुम्हारा रिश्ता पूरा का पूरा खोखला हो चुका है, बिल्कुल मनवीर मामी जी जैसी हो गई है तेरी हालत। तो इस पर साहिबा कहती है मनवीर मामी जी का मतलब क्या है तेरे से। तो सीरत कहती है मनवीर मामी जी जैसे कि मनवीर मामी जी और मामा जी का रिश्ता है बिल्कुल खोखला, वैसा ही तुम्हारा दोनों का रिश्ता है बिल्कुल ही खोखला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सीरत की बात में कितनी है सच्चाई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।